यार तुम लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मैंने तो पता है पूरे 1.5 महीने से प्रिपरेशन की है सीडीएस की, फिर भी मेरे को लग रहा है मुझे कुछ याद नहीं है यार। यार मेरी वाली मुझे छोड़ के जा रही है, पता है पेपर नहीं निकल रहा, घर वाले कह रहे क्या कर रहे हो ये। अरे तेरी छोड़ के तो जा रही, तेरा है तो सही कोई? अरे कोई नहीं, सब टेंपरेरी है। मेरा तो पूरा हो गया है, पूरा कोर्स करा है, बस अब लास्ट मोमेंट पे थोड़ी टेंशन हो रही है कि क्या होगा। यार तू तो बहुत सिंसियर है ऐसे भी यार, तेरा तो हो जाना है, हमारा क्या होगा? यार मुझे कुछ क्या पता लगता है, मुझे पेपर कैसा आएगा? शादी कर देंगे घर वाले, समझो मेरी प्रॉब्लम। शादी कर देंगे या तो शादी के लिए मिली नहीं रही है, ये बताओ तुझे शादी क्यों करनी है, तो करियर बना रहा। अच्छा क्या पढ़ू मैं आज की, कल मेरा पेपर निकल जाए, कट ऑफ निकल जाए, ये बताओ। देखो एक दिन की स्ट्रेटजी चाहिए, एक दिन की स्ट्रेटजी यूट्यूब पे देखी, एक दिन की स्ट्रेटजी यार, एक दिन की स्ट्रेटजी नहीं मिल रही ना मुझे, कैसे लोगों के लिए तो बनी है, तो मुझे दो। तो ऐसा करते हैं, मेरा क्या होगा, मैंने पूरा प्रिपेयर करा है, लेकिन मेरे को इस टाइम टेंशन हो रहा है, मुझे कट ऑफ कि मैं करूँ क्या इस टाइम, मुझे से कट ऑफ यार, मेरे को तो बस एग्जाम निकलवा दो यार, मेरी शादी नहीं होनी चाहिए यार। सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन क्या कुछ तो होगा, सॉल्यूशन ऐसे एकदम बाबा, मैं बाबा जी जानती हूँ, मैं पहाड़ पे बैठते हैं वो, ठीक है, वो ना एकदम ऐसे घुट्टी उट्टी भी ला देते हैं और एक तुरंत एग्जाम क्लियर होता है। यार मुझे भी ऐसे बाबा से चले क्या, चले मेरे को भी जाना है, चल यार चल 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 यार चल, पता नहीं यार कल क्या होगा। अरे एक दिन रह गया, अब बाबा जी से पूछते हैं क्या होता है। मेरे आयु पक्का ना? हाँ हाँ, ये बाबा का टाइम क्या यार, तुम क्या बाबा के चक्कर में पड़ रहे हो? चलो देख तो लेते हैं, बता यार बहुत मदद कर यार, नहीं होने वाला कुछ, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, पता है तेरे को लड़की चाहिए ना, लड़की एक दिन है कल, चल चल चल। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी हमारा कल एग्जाम है, अब बहुत मेहनत की है हमने, क्या हमारा एग्जाम क्लियर होगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन ले रहे हो, हो जाएगा, बहुत टेंशन हो रही है बाबा, मैंने एक दिन आज पढ़ रहा हूँ, कुछ हो जाएगा? एक दिन में भी हो जाएगा, दो दिन में भी हो जाएगा, एक महीने में भी हो जाएगा, जिसकी हाँ, होनी है उसकी तो होनी हाँ, है। मैंने तो 1.5 महीना कर रहा है भाई। अरे बाबा जी ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं 6 महीने से लगा हूँ, तो इसका मतलब हमने मेहनत नहीं करी क्या? नहीं, एक दिन में आपका क्लियर हो जाएगा, 1.5 महीने में आपका, मेरा 6 महीने में हो रहा है बाबा जी, ये तो गलत बात है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, एक दिन में एग्जाम कैसे क्लियर करना है आपका, हो जाएगा। 6 महीने से क्यों तैयारी करी, मैं तो पागल बन गया फिर। ऊपर वाले की मर्जी होगी, होगा इस बार होनी है, इस बार होगा अगली बार होनी है, अगली बार सितंबर में हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से चलो ये सब फेक। बाबा जी क्या बोल रहे हो, अगली बार के लिए थोड़ी वेट करेंगे, हमको तो अभी करना है। यार तुम दोनों से मैंने पहले ही कहा था ना, सब क्या करो, चलो बाबा जी अपना थोड़ा दर्शन तो दे दीजिए एक बार, बाबा जी प्लीज। जय हो, जय हो। देखो जिंदगी के मजे लेने हैं, मेरे पास आ जाइए, आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो असली वाला गुरु पकड़ लीजिए, नहीं तो जो होना है वही होने वाला है, उसकी होनी को कोई नहीं डाल सकता। ये सही है बाबा जी, जय हो, जय हो। अरे अभी असली गुरु कहाँ से ढूंढेंगे? यूट्यूब है ना, एक दिन की स्ट्रेटेजी, आप बताओ एक दिन में जो जो बताएंगे वो पढ़ लो, आएंगे क्वेश्चन। अरे ऐसा नहीं होता है, एक दिन में एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं वहाँ चलते हैं। अच्छा। मेरी बात मानो। हाँ। मैंने भी उन्हीं का कोर्स किया, पूरा सिलेबस आता है वहाँ से, बस मेरे को तो स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा सा। हाँ। सिलेबस मेरा पूरा तैयार है। अच्छा। चलो फिर चलते, आप चलो, इस टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो बता देंगे आप। चलो ठीक है, फिर चल लेते हैं। चलो यार 6 महीने तैयारी कर रहे हैं, चलो चलते हैं, चलो चलो चलो, मैं जानता हूँ, चलो 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 आ जाओ, यहाँ पे सभी मिलेंगे, आ जाओ सभी। हाय सर, हेलो हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते सर, सर गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली आपको पता ही है मैं काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी एग्जाम आ रहा है कल को, बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है सर, ये भी साथ में ही है सर, मैंने तो पूरे 1.5 महीने प्रिपरेशन करी है सर। सर मैंने आज का ही दिन मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैंने ज्यादा पढ़ाई करी नहीं है सर, कुछ ऐसा बताइए कि आज मैं इतना कर लूँ कि कल मेरी कट ऑफ निकल जाए सर। अच्छा ठीक है, आज का ही दिन है सर मेरे पास। और सर, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैंने आपके सर बहुत ऐड देखे हैं सर अनअकैडमी के ना सर। तू तो वनडे स्ट्रेटजी वीडियो ढूंढ रहा था। अरे वो तो सर बताइए ना, सर, सर मेरा कोर्स पूरा हो रखा है, बस अब टेंशन हो रहा है कि क्या करूं, बनेंगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, डर लग रहा है सर, वरना मेरे घर वाले शादी कर देंगे सर, प्लीज सर पहले आप बताओ सर, आप क्या कह रहे हैं अपना प्रॉब्लम? सर मेरे को मैंने 1.5 महीना लगाया पूरा सिद्धि पे आया, फिर मैं कम से कम पिछले 1.5 महीने से तुम्हें भी कह रहा सिंसियरली, आप 1.5 महीना तो लगाया और यू नेवर शोन योर फेस इन द क्लासेस, मतलब आपका कभी कमेंट में आंसर्स नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई डोंट फील यू आर टोटली इनटू इट,
आपने सीरियस अटेम्प्ट देना था डेढ़ महीना अभी भी, पर मैं ये कहूंगा कि डेढ़ महीना भी बहुत अच्छे से अगर सीरियसली किया, सो डोंट लूज हार्ट, मेहनत करते रहो, बट अभी इसमें मेहनत मारोगे तो ये सितंबर में भी काम आएगा। सो इट विल बी ऑलवेज बेस्ट कि अभी इस अटेम्प्ट को सीरियसली दो, ठीक हो जाएगा, स्टे कूल। और डेढ़ महीने में ना कुछ होता नहीं है, ठीक है, डेढ़ महीने में कुछ नहीं होता, इसके लिए लगती है मेहनत, छह महीने की, सात महीने की डेडिकेटेड मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ओटी की तैयारी कर रहे हो, ओटी के अंदर तो इंग्लिश भी आता है और आपको जीएस भी करनी है, जीएस में इतना टाइम लग जाता है। और तुम जो एक दिन के लिए आए हो, तुम एक काम करो, तुम आज अच्छी तरह खाना खाओ और सो जाओ और कल जाके एग्जाम दे देना, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कोर्स आ रहा है उसमें एडमिशन लो। और छह महीने तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या, तुम एक दिन में सारी दुनिया जीतने बैठे हो। द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, पहली बात। दूसरी चीज दोस्त, वो जो तुम YouTube देख के बैठे हो ना, भी एक दिन में स्ट्रेटजी होगी, एक दिन में पेपर पार हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता दोस्त। या तो अपनी उसको दे, और वो जो जिसके लिए तू बिजी था ना, वो कहीं और बिजी हो जाएगी अगर ये चल सके। पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं सर, तो फिर क्या हो गया, तेरे लिए भी ढूंढ देंगे। अगर पेपर पार हो गया तो उन्होंने तेरे को ही ढूंढना था। सही कह रहे सर, और तू चिंता मत कर, तूने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करी है, और मैं तुझे यही बोलूंगा कि अब तो एग्जाम है, एग्जाम के बाद फटाफट एसएसबी की तैयारी पे लग जा। और तुम सब भी जब ये रिटर्न की तैयारी करो साथ में करना, ये नहीं कि वो रिटर्न होगा फिर पांच वर्षीय योजना बना दी तुमने। योर नेम इज संदीप। यस सर, यू हैव बीन रेगुलर, आई कैन प्रॉमिस यू, यू विल स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन मैथ्स। मैं स्कोर में भी अच्छा स्कोर करता हूं, टेंशन ले ही ना भाई। सर मेरे को ये टेंशन हो रहा है कि आएंगे वही क्वेश्चन आएंगे कि कुछ और हो गया इधर। ना ना भाई, जितना पढ़ा आई अश्योर यू, तूने जितना अगर रेगुलरली लगाई है सर की क्लासेस, जो विशाल सर है या इनके अपने जो सर है, अपने संजय सर या मिस दिव्या गुप्ता है, बाकी सारे अनअकैडमी पे अगर तूने नॉर्मली क्लासेस लगाई हैं, तो आई कैन गारंटी यू, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द पेपर। मेरे को नहीं लगता यार, यू विल बी, बस आज का दिन स्टे कूल, टेक फुल रेस्ट, आराम से, अपनी एंग्जाइटी नहीं लानी यार, क्योंकि पूरी रात जागता रहे और सुबह जाके बस कूल माइंडली जा, पक्का पेपर पास। हम क्या करें सर, हमारा सर तुम्हारा, मैंने वही चीज कही है यार, मैं ये नहीं कहूंगा कि यू कांट डू इट, मे बी यू कैन डू इट टुमारो इटसेल्फ, बट छह महीने को अच्छे से रेगुलरली दे, मतलब सर छह महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेडिकेशन अभी सितंबर में, तो मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, तेरे पास ज्वाइन करना चाहता हूं, दो पेपर आ रहे हैं, अगस्त है फिर सितंबर है, दोनों चैलेंज को लेके चल यार, अपना हम दोनों। और तेरे को सबसे बढ़िया फायदा क्या, जो तेरी फ्रेंड है उसको भी डाल अनअकैडमी पे, साथ में रेफरल कोड भी दे सभी के, एब्सोल्यूट डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। और तुम पापा से बात करो, कोर्स ले लेते हैं, मैं दोनों मिलके लेंगे क्या सर, एसएसबी का भी आ रहा है कोर्स आपका भी, हां एसएसबी का भी आ रहा है, और तुम दोनों को भी मैं यही बोलूंगा कि एसएसबी करो, उसकी वजह ये है कि मान लिया जाए तुमने रिटन एग्जाम निकाल भी लिया, बट आगे जाके फिर एसएसबी में लटक गए, उसमें तो ज्यादा ही लटक, तो सर हम अभी एसएसबी क्लास में भी से आना शुरू कर दें। हां बिल्कुल, आना स्टार्ट कर देना, जब एग्जाम अभी खत्म हो जाए 10th को, तो उसके बाद तुम्हारे पास मान लिया जाए 10 घंटे फॉर एग्जांपल, तो तुम 7-8 घंटे अपने रिटन पर दो, दो एक दो घंटे अपनी पर्सनालिटी को दो, चाहे की पर्सनालिटी अच्छे बने और तुम फटाफट एकेडमी ज्वाइन कर सर, मैं आज ही नहीं तो तुम ऐसे मुंह लटकाते खड़े रहोगे। संदीप फोटो भेज देनी बस, हम इंटरव्यू लेंगे, तुम दोनों का भी इंटरव्यू वेट कर रहा है। ऐसे आते हैं लोग एक दिन में पढ़ने। That guy was really regular. Right. He was totally regular for the classes. मैं short हूँ, मैं 60 plus ना GS में है, तो मेरा नाम बता देना। सर ये जो बच्चे अभी हम देख रहे हैं, ये 5 दिन की 4 दिन की strategy देख रहे हैं, ये नहीं होने वाला। Students are being regular as you're saying, they will only make the mark to the list. इसका सर सब सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, सबसे बड़ा कारण क्या है, हर बंदा ना यूट्यूब पे बैठा ना, बस एक दिन में पढ़ लिया, 6 दिन में मैराथन लगा ली, पढ़ा मैराथन, उसका फायदा है जिसने सिलेबस कंप्लीट कर वही करेगा एमसीक्यू, उसकी प्रैक्टिस हो रही है, इनको जस्ट डूइंग रैंडम एमसीक्यूज विल नॉट हेल्प यू। इनको अभी भी यही लगता है जो क्वेश्चन कर लेंगे ना उसमें उन्हीं में से कुछ बन जाएंगे, यूपीएससी है सर, वही सर, एसएससी मतलब ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल सर।
और अब ये भी है सर कि ये एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, जब हम एमसीक्यू कराते या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं करते सर, ये बोलते हैं पीछे वाला थोड़ी आने वाला है, और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पता लगता है कौन सा कंसेप्ट आ रहा है सर। जैसे वो आप ज्योग्राफी में बताते हो कि मेडिटेरेनियन के बहुत क्वेश्चन आते हैं सर, वो सीएफपीएफ में भी आ रहा है, सीएनडीए में भी, हर जगह बार बार। तो सर पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज, अब सितंबर, अभी कईयों को ये है कि प्रॉब्लम की अब मैंने एक दिन रेगुलरली 6 महीने दे दोगे ना एक बार इस प्लेटफॉर्म पे, आई एश्योर यू सर रिजल्ट्स, मैं पक्का कह रहा हूँ, जीएस में जिनको 20 का टारगेट है ना, मैं 60+ लेके वादा कर रहा हूँ। साइंस सिंपल वही चीजें आ रही हैं, बट पीपल डोंट नो व्हाट इज द सिलेबस। करेक्ट 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 सर। सी देयर इज अ 5-पॉइंट फॉर्मूला जो हम सभी बात करते हैं। फर्स्ट इज सिलेबस कंप्लीशन, सेकंड इज एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन, थर्ड इज कंप्लीटिंग पीवाईक्यूज, फोर्थ इज डूइंग एमसीक्यूज, एंड फाइव इज डूइंग मॉक्स। ताकि जो गलती आप मॉक में करो उसका फायदा होगा कि आप मेन एग्जामिनेशन में नहीं करोगे। हम सब अनअकैडमी के टीचर्स इसके बारे में बात करते हैं, प्लीज डू फॉलो दिस 5 पॉइंट। एक सर मैं एसएसबी का भी कहना चाहूंगा, ये लोग सोचते हैं पेपर देंगे फिर एसएसबी प्रिपेयर करेंगे, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डेट सर। True, like it's a make it a part of life habits. Exactly sir. Normally रोज का रोज कुछ ना कुछ वोकैब अपने ऐड करो, नॉलेज ऐड करो, न्यूज़पेपर एनालिसिस करो। Yes sir. उससे एक दिन में आप एक महीने में खड़ा करके वो नहीं, आप कंप्लीट कर पाओगे। आप सर ये जो बोलते हैं कि सर ये SSB हिंदी में होगा, वो नहीं हो पाएगा। इंग्लिश का पेपर हो रहा है CDS में, इवन फॉर NDA, और इंग्लिश SSB की एक रिक्वायरमेंट है, वो आपको लानी ही पड़ेगी, इम्बाइब करनी पड़ेगी, और SSB की भी आपको एक स्ट्रेटेजाइज वे से तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं तो आप रिटर्न निकाल रहे हो और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप ही को उससे प्रॉब्लम होगी। इवेंचुअल गोल इज टू जॉइन द एकेडमी, दैट्स द इवेंचुअल गोल, राइट सर? बिल्कुल सर, आई टोटली एग्री विद यू। ठीक है, तो आप सर हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एक चीज और सर मैं बात करना चाहता था, जनता ना अब पेपर एनालिसिस अब यूट्यूब पे है ना, देखना कैसे पेपर एनालिसिस की कहानियां शुरू हो जानी है। बिल्कुल, और सर वो 80 कट ऑफ जाएगी सर, लास्ट बार मैंने पेपर में बोला था 105 टू 110 कट ऑफ जाएगी सर, ट्रोल करा मुझे क्योंकि किसी ने बोल दिया था 80 कट ऑफ जाएगी। भैया 80 कब बंद हो गई है सर, अब कहां जाती है ये सर? मैं यही चीज, एक दूसरी चीज, इस बारी पिछली बारी भी अनअकैडमी ने दे ट्राई टू मेक श्योर दैट द बेस्ट आंसर की शुड बी देयर, राइट राइट। इस बारी तो पक्का जी कल की जो आंसर की है ना पेपर की, मैं पूरे अच्छे से प्रॉपर सर, सारे टॉप टीचर है उसमें, विशाल सर है, दिव्या मैम है, जगताप सर है, और आप है, मैं हूँ, सब टीचर्स हैं उसके अंदर सर। तो उसमें सर हम संदीप सर है, सिद्धांत सर है, अपने आंसर की मैं प्रॉपर एनालिसिस पूरी तरह, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, 60 से नीचे क्वेश्चन आए आप उसी समय नीचे कमेंट कर देना कि नहीं कर पाया। मैं पूरा कह रहा हूँ दावे से 110% कॉन्फिडेंट हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर।